हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? और ये हैं गार्गी मेरे साथ। तो चलो, आज की वीडियो है झंड जी चैनल से डबल भईल बा कमर हम दोनों के जैसी अरविंद अकेला कल्लू, प्रियंका सिंह, ये क्या है, अंकुश राजा, ओके सॉरी, इनका नाम पढ़ने में मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, पता नहीं क्यों। अंकुश राजा, शिल्पी राज, झंड जी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे भाई, ये तो गजब का ऑफर है यार, चाय लेवा की चुम्मा धरती। अगर तेरे में कोई ऐसा ऑफर दे तो तू क्या लेगा? कौन मना करेगा? कौन बनेगा करोड़पति में भी कम से कम चार ऑप्शन होते हैं, सिर्फ चुम्मा से क्या होगा? अरे मैडम, बहुत सही, धरती को और थोड़ा ज्यादा चाहिए भाई। He is greedy. तो क्या हाल है? बवाल है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कलुआ के बारे में। का कलुआ? तुम साले अभी तक कलुआ के नहीं जाने? कौन आदमी कलुआ के नहीं जानता? दुनिया का नहीं जानता। है अंकुश राजा की रेड साड़ी। अंकुश राजा कब से साड़ी पहनने लगे? साले रेड साड़ी गाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत सही। फिर तो चलो ना यार, चाय के साथ चुम्मा लेकर कमर को डबल बनाने का, और कमर डबल बनने के बाद फिर उसे रेड साड़ी से छुपाने का। बहुत सही। करते हैं सफर, और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भाषण। ओ भाई, सही जगह से शुरुआत की हो गुरु, बहुत आगे जाओगे। कौन जाके गिरा है भाई? अरे गजब के, घुस ही जाओ अंदर का, पाद वाद सूंघ लेना थोड़ी सी। है नीचे कहाँ देख रहे हो? वो देख रहे हैं कि पैंट कहाँ से फटा है, उन्हें भी फड़वाना है। खत्म। बताओ, एक जमाना था जब लोग पैंट सिलवाते थे, फटवाते हैं, घूम रहे हैं, गजब जमाना आ गया है साला। आ तू भाई, कमर का साइज बता रहे हो या अपने फ्लैट का? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, मैडम को देखकर तो लगता है कि मैडम कम से कम 25 की तो होगी। कमर ठीक है, तो उस हिसाब से मैडम का नहीं, कमर 50 का। भाई, जहाँ भी भोजपुरी में कमर की बात होती है ना, वो कमर से नीचे की ही बात हो रही होती है। नहीं, एक बार ये कमर देखो। ओ भाई, देख लिए? मजा आया ना? बहुत। हाँ, बस यही दिखाना था। नहीं, तुम्हें क्या लगा कि इतनी अच्छी कमर पे मैं जोक मारूंगा? नहीं, नहीं। गंदा सोचते हो यार। अभी आएगा, वेट करो। बिल्कुल ठीक है, बट इन लोगों का क्या, रील अटक गई है या प्रोड्यूसर ने कमर रोक लिया है? अरे नाचो यार, उनका बजट कम है। अरे जब इन्हीं दो लोगों का शॉट लगाना था तो फिर ये लाइन से सरियाने की का जरूरत थी? देखा मैंने कैसे बातों बातों में ग्लैमर दिखा दिया। चलो सब लोग 10-10 रुपया निकालो। हाँ, ग्लैमरस तो बस लड़कियां ही होती हैं, लड़के तो होते नहीं, चमगादड़ खड़े हैं ना। ये बात सही है यार, बहुत नाइंसाफी होती है लड़कों के साथ। ले ले भाई, ये तो गजब का ऑफर है यार, चाय लेवा की चुम्मा धरती। अगर तेरे में कोई ऐसा ऑफर दे तो तू क्या लेगा? अरे कौन बनेगा करोड़पति में भी कम से कम चार ऑप्शन, सिर्फ चुम्मा से क्या होगा? एक हाथ कहो थोड़ा आगे बढ़े, मैं दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। वैसे आप लोग चाय से मतलब क्या लिया, फिर भी गलत तार हो जाएगा, चुम्मा से तो कुछ भी नहीं होगा, पेट भरेगा तो कुछ। हाँ तो सब तेरी तरह छोटी सोच वाले थोड़ी हैं। अरे इसके सामने पूरा 56 भोग लगा, कौन सा कुछ अच्छा दिखा रहा है, रायता क्यों चाटेगा? ओ भाई, ओ
ये क्या चल रहा है? ये गलमाटी खेल रहे हो, तुम ही नहीं मनाएगा। अरे ये ऑप्शन में ही नहीं था, दोनों में से कोई एक ही लेना था भाई। फिर वही बात, दोनों। अरे तू उसकी जगह होता तो क्या लेता? अच्छा, हम चाय लवर, उस हिसाब से तो फिर कम ही लिया है। हाँ फिर चलेगा, कोई बात नहीं। तो फिर ये तो फिर भाई के साथ जाती हो गई ना मैडम, हैं? बताओ ऐसे रात भर कौन खटवाता है? हाँ ऊपर से सुबह में सोने भी नहीं दे रही हैं। अरे तो मैडम ने क्या सपने में खटवाया होगा? मैडम भी तो जाग ही रही होंगी ना, ऊपर से सुबह जल्दी उठ के जाके चाय भी बना के लेके आ गई, और उसके ऊपर से एक नहीं दो दो बार चाय लेके आ गई। अनेरा भोजपुरी के प्रोड्यूसर कंगाली की हालत में है, ऊपर से कहते हैं कि भोजपुरी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा जब एक ही सुबह में दो दो कप चाय पी जाओगे तो? वो भी चुम्मा के साथ। हाँ विद एक्स्ट्रा शुगर। बिस्कुट के साथ चाय खा लो, टोस्ट के साथ चाय खा लो, रोटी के साथ चाय पी लो। रोटी के साथ तो फिर उठलाली खाया जाता है, उसको कॉपीराइट आ जाएगा। तो उसके साथ ही चाय खाओ, बिस्कुट के साथ चाय खाओ, बट ऐसे चुम्मा के साथ चाय कौन खाता है भाई? बात तो सही है। और मैं क्या बंगाली हूँ, खाओ खाओ कर रहा हूँ? पीने वाली चीज है तो पिया करो, दो पैक सुबह, दो पैक, सॉरी दो कप। पचास रुपया काटो ओवर एक्टिंग। पचास रुपया नहीं, पचास पैसा। क्यों? पचास रुपया बॉलीवुड में कटते हैं, ये भोजपुरी है। पचास रुपया तो इन्हें मिलते भी नहीं होंगे, काटेंगे कहाँ से? पचास पैसे काटो ओवर एक्टिंग के। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं भाई, आधे घंटे से नाच रहा है और अभी सो के उठने का ड्रामा कर रहा है। मतलब रात में ही मुलाकात नहीं हुआ है, फिर इंतजार है रात का। दिन में क्या, दिन में क्या कर रहा है मैडम? फेरो से रात तो आइबा करेगा, पर पहले दिन तो खत्म होने दीजिए। भगवान इनको इतनी खुशी दे कि इनके जीवन में हमेशा रात ही रहे। ये खुशी थी कि बद्दुआ। ए भाई, ले भाई, इतना खतरनाक ठरकपन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। मैं तो कई बार पुतले को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ, तो दो भाइयों को एक साथ नहीं ना देखा है? नहीं नहीं, वो नहीं देखा हूँ। हाँ फिर दो भाइयों को एक साथ पुतले के साथ देखा हूँ, पर दो भाइयों को आपस में ही एक साथ कभी नहीं देखा हूँ। क्या बात कर रहे हो साला? किसी का साड़ी जान मार रहा है, किसी का उठलाली जान मार रहा है, किसी की नथुनिया जान मार रहा है। दुनिया खतरे में है भाई, और सबसे ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री खतरे में है। हाँ। ओए ओए चाची। नहीं मतलब दो लौंडे एक लड़की के पीछे पड़े हैं। लड़की नहीं है, पुतला है। मान लो कि अगर वो पट जाए, वैसे तो वो पटेगी नहीं, बट फिर भी गणित के स्टूडेंट पुतला तो पहले मारने में क्या जाता है। तो मान लो कि अगर वो पट जाए तो तुम दोनों में से कौन ले जाएगा उसे? दोनों नहीं, यही तो फायदा है अंकुश राजा के साथ काम करने का, एक पर एक फ्री मिलता है। वाह वाह, बाय वन गेट वन फ्री। ले, अभी से मैडम मार रही हैं तो सोचो बाद में क्या क्या मारेंगी। हाँ तो अगर मरवाना नहीं चाहते हो तो पतली गली पकड़ के निकल लो। हाँ साले, तू क्या मरवाने की बात कर रहा है बे? साले तेरी सोच ही गलत है, जो तू सोच रहा है ना वो मैडम कभी मार ही नहीं सकती। नहीं नहीं, हथियार अवेलेबल हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अच्छा तो फिर ई का हो रहा है? ई पवन सिंह बनने की नाकाम कोशिश चल रही है। अच्छा, अरे
का कंफ्यूजन क्रिएट किए हो यार, कभी वो उधर से कभी ये तो करो से। कि वो अंकुश की बनेंगी या राजा की? नहीं नहीं, राजा की तो रानी होती है। और अंकुश की? अंकुश की महारानी। और मैडम न रानी है न महारानी, तो मैडम को बोलो कि मैं भी खलियर ही हूँ, मेरी बने। बहुत सही धरती। जैसी शक्ल है तुम्हारी, और मैडम तुम्हारी बनेंगी। कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचो ना। मैडम को गुस्सा आने पर जूता भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, मुझे ही चला कर मार सकती है। किस पे? यार बस आज चल दिए आधे लोग बंद करके, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। अरे ये क्या हो गया? हमें तो पसंद है ना जंदी जी की पूरी बात सुनना, हम तो सुनते हैं यार, हमें तो अच्छा लगता है। ठीक, लास्ट में जो जंद जी पूरा अपना विचार व्यक्त करते हैं, जो भी बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना। ठीक है, उनकी बातें हैं और कुछ, क्योंकि कुछ गलत नहीं बोलते कभी भी, कोई भी इलॉजिकल सी बात नहीं बोलते, है ना। मतलब वल्गर भी नहीं है भाई जी। अभी इनकी इनके गाने देखो, चाय लेबू की चुम्मा, वाह क्या बात है। कौन सा बेवकूफ होगा जो ऐसे ऑफर को ठुकराएगा भाई। तो फिर खाने के साथ तो अलग ऑफर चलते होंगे, चाय के साथ नहीं चलते है ना। अब झंड जी ने तो बताया, उसके रोटी के साथ ठलाली चलती है भैया। सो यार, बड़ा ही बड़ी मजेदार वीडियो थी, बहुत सही। और धरती आज कल ज्यादा ही ठरकी होता जा रहा है। कोई बात नहीं। टाइम है, टाइम है। देखो लड़कों का तो टाइम ही रहता है ना, जब यहाँ बुड्ढे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो लड़के क्यों नहीं। तो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। बाय।